गाजा पर फिजाई हमलों के बाद सहूनी अफवाज ने टैंकों से ज़मीनी हमला किया है। इस कार्रवाई में बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा बुलडोज़र भी शामिल थे। 24 घंटे में मजीद 481 फलस्तीनी इसराइली जारहियत का निशाना बने हैं। शहदा की तादाद 7,000 से तजावज कर गई है। सहूनी अफवाज ने 2,913 बच्चों और 1,700 बेगुनाह खवातीन को भी शहीद कर दिया। 12 अस्पताल और 57 तिब्बी मराकज खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। आलमी बरादरी के मुतालबात और दुनिया भर में मुजाहरे बेसूद। गजा पर आसमान से बारूद गिराने के बाद सहूनी अफवाज ने टैंकों की मदद से गजा पर जमीनी हमला भी कर दिया। इसराइली फौज की जानिब से एक वीडियो जारी की गई जिसमें बख्तरबंद गाड़ियों को गजा के सरहदी हिस्से में बढ़ते हुए दिखाया गया, जबकि एक बिल्डोजर रास्ता साफ कर रहा है और टैंकों की जानिब से शैल फायर किए जा रहे हैं। इसराइली फौज के मुताबिक शुमाली गजा में टारगेटेड कार्रवाई की गई, जो जंग के अगले मरहले की तैयारियों का हिस्सा है। इस कार्रवाई के बाद फौजी इस इलाके से बाहर निकल गए। गजा पर इसराइली जारहियत के 20वें रोज शहीद फलस्तीनियों की तादाद 7,000 से तजावुज कर गई। फलस्तीनी वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी से 481 फलस्तीनी शहीद हुए। मजमूई तौर पर अब तक 7,028 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 2,913 बच्चे और 1,709 खवातीन शामिल हैं। इसराइली बमबारी से जख्मी होने वाले शहरियों की तादाद 20,000 से तजावुज कर गई है। इसराइली बमबारी के 2,940 बच्चों समेत 1,650 फलस्तीनी लापता है। इम्कान है कि लापता अफराद तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली जारहियत से अब तक 12 अस्पताल और 57 तिब्बी मराकज मुकम्मल तौर पर नाकाबिले इस्तेमाल हो चुके हैं। सेहूनी मजालिम बेनकाब करने वाले अल जजीरा टीवी के सहाफी के खानदान के कई अफराद भी शहीद होने वालों में शामिल हैं। गजा में ईंधन की फरहमी न होने से अस्पताल बंद होने का खदशा है।